हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आज मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया। टाइम करीबन 8:20 हो रहे हैं और मैं अभी सुबह की शुरुआत कर रही हूँ अपनी बुलेट कॉफ़ी से। ओ मम्मी, मैं एकदम से डर गई मुझे कपड़े देख के। तो गाइस एक सेकेंड में लाइट ऑन कर लेती हूँ। यार ये वाला जो मौसम है इतना गंदा लगता है, पूरा घर फैला हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी बुलेट कॉफ़ी। अब रात में ना ये कपड़े मैं आपको बताऊँ, मैं 3 बार सुखा चुकी हूँ धुलने के बाद, फिर भी इतना इरिटेटिंग है। मुझे लास्ट में सोफे पे डालने पड़े। तो गाइस मैंने बनाई है बुलेट कॉफ़ी। तो यार मैं बता देती हूँ मैंने कैसे बनाई है। बहुत ही सिंपल है। कप है मेरा, ठीक है, इसमें पानी था। मैंने एक जो कॉफ़ी, आप अगर आप शैशे यूज़ कर रहे हो तो आप एक शैशे इसमें डाल सकते हो कॉफ़ी का, नेस्कैफे के जो आते हैं, ठीक है। फिर वह जार है तो उसमें से एक टीस्पून आप लेके इसमें डाल सकते हो। ऊपर से अगर आपके घर में घी है तो एक स्पून आपको इसमें डालना है घी। तो गाइज इन दोनों चीज़ों से बनती है बुलेट कॉफ़ी। इस बुलेट कॉफ़ी को अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस भी लेती है, मैं आपको बता दूँ। ये बहुत बेनिफिशियल होती है क्योंकि घी हमारा नेचुरल रहता है, वेट लूज में बहुत हेल्प करता है। और ब्लैक कॉफ़ी तो आपको पता ही है कितनी अच्छी रहती है, लेकिन जब हम इसको खाली पेट लेते हैं तो वो वेट लूज में बहुत मज़ेदार रहता है, वेट लूज में हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो या गाइस ये मैं दिखा रही थी, अभी आन्या की सिचुएशन मैं आपको दिखाऊँ तो पता है हमने क्या कर रखा है। ये कंबल मेरा और आन्या का होने दिन का है क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। आन्या की भी सेम हैबिट है कि कंबल को एकदम से फेंकने की, और मेरी भी सेम हैबिट है। तो हम दोनों तो लड़ झगड़ के एक दूसरे को उड़ाते रहते हैं, नित्य अपना अलग ही लेके सोता है। और आन्या, ओ हाय गाइस, उठो, देखो देखो, हाय गाइस करो, हाय गाइस करो, हाय गाइस करना। चलो गाइज ये सो रही है, मैं इसको भी उठाती हूँ क्योंकि अभी हमें निकलना है। और मैंने अभी आन्या को दूध मैंने लाके दे दिया था लेकिन इसने नहीं पिया, थोड़ा सा ही पिया है। पता नहीं क्या दिक्कत है, आन्या उठ के तो मतलब जगती हुई तो कभी दूध नहीं पीती। इसकी पता नहीं मेरे वाली आदत है क्या है, और जैसे ही मतलब सो रही होती है ना मुझे उसी टाइम इसको थोड़ा सा दूध पिलाना होता है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, मैंने सुबह सुबह क्या किया है, क्या क्या चीज़ें की है। पानी आ गया भाई दबे हमारा, क्या क्या किया है। तो सबसे पहले यार ये मैं हटाना क्योंकि अभी आंटी आएंगी तो साफ़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सुबह सुबह, अभी वैसे मैं रात में करती हूँ लेकिन कल मैं भूल गई थोड़ा सा, मैं थक गई थी। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन का पानी कर दिया है। अजवाइन का पानी आप ना देखोगे ठंडा होने पर ना ये सारी अजवाइन नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। तो ईज़िली आप जो मेरा कप था उसमें मैं उतना एक कप लेती हूँ, ठीक है, करीबन मैं दिन का 4 कप तो लेती ही लेती हूँ। ओके, आफ्टर दैट आज ब्रेकफास्ट के लिए हमें जाना भी था। आज वैसे मैं कुछ और बनाने वाली थी लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि लेट हो जाएंगे, तो ये काफ़ी इजी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया गया, इसमें ये भी बता देते मैं कौन से ओट्स यूज़ कर रही हूँ। मैं केलॉग्स के ओट्स यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक से ओट्स हैं, ठीक है, जो कि हर कोई खाता है लेकिन मैं इसको खाती हूँ हेल्दी वेरिएंट टाइप में। बड़ा वाला कप है, ये है नितिन का। छोटा वाला कप आप देख रहे हो साइज़ में भी, ये है मेरा, क्योंकि दोनों का वेट ऑब्वियसली डिफरेंट है, दोनों की बॉडी डिफरेंट है। नितिन बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैं छोटी हूँ, तो मैंने छोटा कप लिया है। और हाँ मैं इसमें दिखा दूँ, मैंने पूरा भर के इसमें पानी डाल दिया था ताकि ये देखो अच्छे से सोक कर लिया है। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना गाइस, दिस इज़ अंजीर। अंजीर में स्वीटनर होता है और ये वेट लूज में भी हेल्प करती है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, जार लूँगी अपने मिक्सी में, इसको अच्छे से शेक बना के हल्का सा दूध इसमें ऐड करूँगी और पी लूँगी, वो बहुत हेल्दी रहेगा। तो यार दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। मैं आपको बता दूँ मेरी मॉर्निंग की डेली की शुरुआत ना कुछ इसी तरीके से होती है कि मैं नितिन की अपने लिए कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ, फिर आने के लिए साथ साथ दूध ले आती हूँ, उसके बाद मैं आन्या को उठाती हूँ और फिर हम दोनों जाते हैं नहाने के लिए। क्योंकि आन्या को मैं ना पूरा टाइम देना चाहती हूँ कि वो अच्छे से उसको ब्रश कराना सिखाती हूँ, हर चीज़ सिखाती हूँ। एंड या गाइस अभी ना नितिन ने डेडपूल मूवी बुक कर रखी है कि हम इसके बाद चले जाएंगे तो देख नहीं पाएंगे। हमारे पास आज का और कल का डे है, और कल है मंडे, कल है मेरा मंडे का फास्ट, तो मैं सावन के फास्ट भी रख रही हूँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं नितिन को कह रही थी आज हमारे जितने काम हो सकते हैं ना मैं निपटाऊँगी, पैकिंग वगैरह आज निपटाऊँगी, क्योंकि अगर मैं कल पर छोड़ दूँगी ना कल मेरी थोड़ी सी एनर्जी लेवल
लेवल डाउन रहेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों पिछली बार जब मेरा, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पिछली बार जब मैंने फास्ट रखा, फर्स्ट फास्ट था मेरा, ये सेकेंड है, तो मुझे इतना लो फील हो रहा था ना, एंड आई फील सो बैड. तो मैंने नितिन को बोला मैं अपने लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आऊँगी, मैं उसका चार्ट बना लूँगी, जैसे मैं दोपहर के टाइम में सैलड वगैरह खाती हूँ, तो या ये सब है. और इसके बाद जब मैं अपना ओट्स का पूरा स्मूदी काइंड में बनाऊंगी ना गाइस, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पीते हुए. एंड उसके बाद हम सीधा जाएंगे बाहर. बाहर कुछ नहीं खाना है, मैं सिर्फ लेके जाऊंगी खजूर, ठीक है, वो बहुत सही रहेंगे. मतलब उसमें थोड़ा मीठा है तो वो एनर्जी लेवल बढ़ाने का भी काम करते हैं, तो दो दो वो मैं लेके जाऊंगी ताकि हमारी भूख को वो कंट्रोल में रखे. और घर आने के बाद क्या बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. चलो अब मैं सीधा ना रेडी होके मिलती हूँ, क्योंकि अभी मेरा फेस भी ना सुबह अभी फिर चेक कर रहा है, और इसका रिएक्शन एकदम ना ऐसा हुआ कि भाई साहब पता नहीं क्या हो गया. कितना आया ऐसा? दो दिन में 2 किलो का. भाई साहब मैं भी अभी फ्रेश हो गई, कल तो मेरा 1 किलो लूज हो गया था, और हम इतने खुश हो रहे हैं ना. लेकिन हाँ मैं एक चीज़ बोलूँगी गाइज, ये जो डाइट है ना, मतलब ये सिर्फ ना 2-3-4 दिन के लिए ट्राई करना, इससे ज़्यादा ट्राई मत करना. क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मुझे रात में इतने गंदे वाली भूख लग रही थी ना, पता है क्या, हम जल्दी सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से हमारा हो गया था 12 बजे के बाद, मतलब हमारा लेट हो गया था, और इतनी गंदी नींद, मतलब गंदी नींद कह रही हूँ, इतनी गंदी भूख लग रही थी ना, मतलब ऐसा हो रहा था कि यार जल्दी से कुछ खाना मिल जाए. लेकिन मुझे पता था कि मतलब मैं कुछ खा लूँगी ना तो वो सारा ख़राब हो जाएगा. तो मैं आपको बोलूँगी अगर इस तरह की डाइट फॉलो कर रहे हो, साथ ही साथ ना जल्दी सोने की भी कोशिश करना, क्योंकि जब हम सो जाएंगे हमें अच्छी स्लीप मिलेगी और साथ ही साथ भूख भी नहीं लगेगी. तो बस मेरे साथ थोड़ा सा हुआ था, परसों तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था, कल थोड़ा थोड़ा सा मुझे फील हुआ था. चलो मैं जा रही हूँ रेडी होने, और उसके बाद मैं वेट चेक करती हूँ कि मेरा कितना वेट लूज़ हुआ फ्रेश एंड अप होने के बाद. टाइम हुआ है करीबन 9:30, और अब मैं पी रही हूँ अपना अजवाइन वाटर. गाइज फाइनली हम निकल लिए हैं, टाइम हो रहा है 10:30, थोड़े से लेट हो गए हैं, और ना मैं आपको स्मूदी दिखाना भूल गई अपनी. तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी मैं यार एक्चुअली ना इतना लेट हो रहा था. वैसे कोई मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, जस्ट जार में लेना, मेरे पास क्लिप होगी ना तो यार डेफिनेटली मैं मेंशन कर दूंगी साइड में, और हाँ मैं दिखाऊंगी, मतलब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं पक्का दिखाऊंगी. एंड नहीं कल नहीं दिखा सकती ना, हाँ कल दिखा सकती हूँ, सिर्फ आपके लिए बनानी है. वैसे ओट्स ना मुझे इतने टेस्टी नहीं लगते, लेकिन स्मूदी में टेस्टी लगा. स्मूदी में यार मैं एक अंजीर डाल रही हूँ उसमें, ठीक है, और मैं एक कप नितिन के लिए बड़े वाला जो कि मैंने आपको दिखाया था ओट्स लेती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ. पानी ऐसा नहीं करना आपको, पहले ना मैं भर लेती हूँ. पहले जैसे ओट्स बनाता था ना तो खाना बड़ी सी टास्क लगती थी कि मतलब फिनिश नहीं हो पाता था, ऐसा होता था, इतने हैवी से लगते थे. और ये शेक टाइप में, ये तो जब भी हम पी लेते हैं, और इसे ऐसा लगता है एकदम से पी के फुल भी हो जाते हैं काफी घंटे के लिए. जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी टाइम 10:30 हो रहा है, 10:30 हैं, और हम अपना जो स्मूदी है वो पी के आए हैं. ओके गाइस, तो मैं साथ में लेके आई हूँ 4 खजूर, 2 नितिन के 2 मेरे, जिससे हमारी भूख थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी. और घर आने के बाद मैं कुछ बनाने वाली हूँ, लाइक आई डोंट नो क्या बनाऊंगी, लेकिन मैं पनीर का कुछ बनाऊंगी. suryaghar.gov.in पर जाकर अप्लाई करें और खुद को बता दो, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है. बेमतलब की मार धाड़ मुर्दों. Well, ये समझने के लिए आपको मेरे पीछे आना होगा. Guys, we are in food court. पीछे आपको दिख रहा है खान चाचा से. नितिन का आज चिकन खाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैं मना भी नहीं कर पाई, तो इसलिए हम मूवी देख के सीधा आ गए हैं फूड कोर्ट में. और यहाँ से हमने कोई अनहेल्दी ऑप्शन नहीं लिया. मैं लोगों को देख रही हूँ, लोग कितना जंक खाते हैं, और मतलब यार आजकल जिस किसी को भी देख, लाइक रेंडमली किसी को भी देख ले, उसका इतना ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है और हेल्थ इश्यूज इतने हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है मैं मतलब जब से इस चीज़ पे आई हूँ, मेरा मैं खाती हूँ यार, ऑफकोर्स मैं खाती हूँ जंक फूड, लेकिन उसको देख के ये लगता है यार हेल्दी खाओ ज़्यादा बेटर रहोगे. तो हमने लिया है चिकन टिक्का है ये, तो हमने यहाँ से लिया है चिकन टिक्का, और ये मैं दिखाती हूँ कि कैसा है, और हम दोनों इसको खाने वाले. दिस इज़ आर फूड, तो मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी क्योंकि मैं घर जाके अपनी सैलड आराम से खाऊंगी दही के साथ. ये नितिन आराम से खाने वाला है, मैं 2 पीस लूंगी. एंड या तो ये नितिन का लंच हो गया, और मैं क्वालिटी काफ़ी, हाँ नितिन को यहाँ का अच्छा लगता है, तो इसका मन भी कर रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ से ले लेते हैं. तो चलो जल्दी से अब हम खा रहे हैं, इसके बाद घर जाके ही मिलती हूँ. टाइम हो रहा है 3:30, मैं घर आ गई हूँ, और मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट थोड़ा सा मैंने इसमें नाम का ना दूध डाला है, एंड वो है नितिन की कॉफ़ी.
और ये है हमारी आन्या जो कि है शैतान। ये मम्मा की चुन्नी लेके बैठी है और पता नहीं खुद से क्या कर रही है, और चुन्नी में उलझ के फिर आवाज निकाल रही है, ये क्या किया ये क्या किया। गाइज टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं और इट्स टाइम फिर से मैं ले रही हूँ यहाँ पे अजवाइन का पानी। अरे बहुत वियर्ड सा, मतलब इसका टेस्ट इतना बेकार है। मैं कोशिश करती हूँ मैं एक सांस में इसको पी लूँ, एंड चलो पीते हैं। एंड ये मेरे वेट लूज में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, मतलब इससे ना ऐसा लगता है अंदर पूरी बॉडी को ये डिटॉक्स करता है, और जिसकी हेल्प से हमारा जो वेट है वो बहुत अच्छे से लूज होता है। और ये कल बच्चा ना गाइस चला जाएगा नानी घर, कल इसके मामा लेने आएंगे। किसके साथ जाएगा? नानू। नानू के साथ? नानू तो नहीं आ रही। नानी? नानी भी नहीं आ रही। हाँ बोलो, इसको मौका मिलना चाहिए मेरे ब्लॉग में आने का। बोलो, ऐसी शक्ल बनाने से क्या होगा, ये कैसी शक्ल बना रहे हो आप? गाइस आपको एक चीज दिखाऊं, वैसे आन्या का और मेरे बालों का सेम टोन है। आन्या नीचे आना एक बार, आन्या हेयर दिखाएंगे अपने, जल्दी आओ। टाइम इज 7:15 और इट्स आवर डिनर टाइम। तो मैंने आज डिनर में ना बनाया है थोड़ा सा ना, मैंने इसमें आप देख रहे हो मैंने दही ज़्यादा डाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बिल्कुल सूखा सूखा तो यार खाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया है पनीर टिक्का, एंड साथ में मेरा दही सैलेड जो है वो है। और चलो मैं ये खा रही हूँ और भूख लग रही है, तो इसके बाद ना गाइज आ रही हूँ। तो गाइज ये ना खा के मैं ब्लॉग एंड करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद लास्ट रह जाएगा, मैं अजवाइन वाटर लेती हूँ रात के टाइम में, तो बस वो रह जाएगा। एंड लेट्स सी कि कल मेरा कितना ज़्यादा वेट कम आता है। नितिन ने कर लिया है 2 किलो कम, मेरा हो गया है 1 किलो कम। 1 किलो से मतलब ज़्यादा, 1.5 किलो मान लो आप। और आई एम एक्साइटेड, कल मेरा मंडी का फास्ट भी है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि फास्ट वाले दिन में किस तरीके से मतलब क्या खाऊँगी क्या नहीं, हर चीज़ पूरी शेयर करूंगी। तो रियली होप करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।